हेलो जी, सत श्री अकाल सारे नू। थोड़ा सारे का वेलकम है जी मेरे चैनल संदीप गिल ते। मैनू लग्या भी मैं थोड़ा जिहा लेट हो गई वीडियो शेयर करन, इस करके है जिहड़ी मैं फटाफट जिहड़ी रेमडी ना तुहाडी स्किन ते इन्नी ज़्यादा ग्लो आ जाए भी कोई कह ही नहीं सकता भी तुसीं कोई महंगा फेशियल कराया जां तुसीं घर ही अपनी स्किन नू इन्ना ब्राइट बना लिया, वह भी एक रेमडी दे नाल। इहदे रिजल्ट है जिहड़े 100% तुहानू मिलणगे, लाइव रिजल्ट तुहानू नाल दी नाल मिल जाणगे जदों तुसीं इस नू ट्राई करोगे। सो जरूर इहनू ट्राई जरूर करना सारिआं ने। ते बेसन दी आपां रेमडी बनावांगे, बेसन सारे नू पता है भी अपनी स्किन नू किन्ना ज़्यादा ब्राइट ते वाइटनिंग अपनी स्किन ते लियांदा, स्किन लई किन्ना बेस्ट हुंदा बेसन। सो हर एक रेमेडी बेसन तो ही आपां स्टार्ट करदे हुंने आ। सो इहदे लई आपां नू सब तो पहलां चाहीदी है मलाई जी। मलाई बिल्कुल फ्रैश है, घर दी मलाई है। इस तरह मैं जिहड़ा बाटी दे विच कटोरी दे विच कढ के घरे मलाई रख लैनी हुंनी। आपां नू सिर्फ अद्धा चमच चाहीदा। तो ये मैं रेमडी तुहानू दसदे जी, इहनू जेंट्स लेडीज़ कोई भी यूज़ कर सकते, इहदे विच आपां इहो जी कोई चीज़ नहीं पाई भी जिहड़ी किसी की स्किन नू सूट ना करे। सो सारियां चीज़ां इस तरह दियां ने। जेकर फिर भी कोई चीज़ तुहाडी स्किन नू सूट नहीं करदी तां तुसीं उह चीज़ जिहड़ी विचों स्किप कर सकते हो, नहीं तुसीं मैनू कमेंट करके दस्सो, मैं तुहाडे लई होर आ जिहड़ा पैक बना दूंगी। सो ये फेस पैक आपां बेसन तो बना रहे हैं, इहदे विच किहड़ियां किहड़ियां इहो जिहियां चीज़ां मिलाउणियां ने उह मैं तुहानू दसदी हां। सो जिहड़ी नैक्सट चीज़ आपां इहदे विच मिलाउणी आ उह हैगा ग्लिसरीन। ग्लिसरीन तुहानू किसी भी मैडिकल स्टोर तो मिल जूगा, अद्धे चमच तो भी घट ग्लिसरीन है जिहड़ा आपां मलाई दे विच मिला लाँगे। चंगी तरह दोनों चीज़ों नू कर लाँगे मिक्स। जेकर तुहाडी हुण जिवें कि विंटर स्टार्ट होने वाला, सर्दियों का सीजन स्टार्ट होने वाला, तुहाडी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहिंदी आ, तो तुसीं इन्हां दोनों चीज़ों नू मिला के भी अपनी स्किन ते लगाउणे ने, जां कल्ली मलाई नू भी रात नू लगा के सौंदे हो तां तुहाडी स्किन है जिहड़ी बिल्कुल सॉफ्ट बेबी सॉफ्ट बन जूगी जिवें बच्चों की स्किन हुंदी आ। उस तो बाद आपां इहदे विच पावांगे जी बेसन। बेसन बिल्कुल घर का बनिया होया वधिया बेसन है, तो बेसन का रंग देख के तुहानू पता लग गया होगा कितना लाइट कलर है, कोई इहदे विच इह नहीं हैगा भी आर्टिफिशियल कलर दा यूज़ कीता। सो वधिया बेसन लैणा तुसीं, एक चमच बेसन का पा लिया आपां। थोड़ा जिहा बेसन मैं घट पाउणा सी पर मैं तो थोड़ा जिहा वध बेसन पै गया, सो उस की वजह कारण अपना फेस पैक है थोड़ा जिहा इस तरह गाढ़ा बन गया। कोई गल नहीं, इहदे आप रोज़ वाटर मिला सकते हैं, तुसीं पानी मिला सकते हो जां कच्चा दुध मिला सकते हो, तुहाडे कोल बहुत ऑप्शन ने। चुटकी पर आप पावांगे हल्दी। हल्दी आप हर फेस पैक के पानी हुंदी है, खासकर जदों आप बेसन का फेस पैक बनाने। उस तो बाद आप पावांगे थोड़ा जिहा गुलाब जल, जिवें तुहानू पहलां दस्सिया तुसीं कच्चा दुध भी पा सकते हो जां नॉर्मल पानी भी तुसीं जिहड़ा फिल्टर वाला पानी यूज़ कर सकते हो। सो इस फेस पैक नूं जिहड़ा अज तो ही बना के लगाउणा स्टार्ट कर दिओ। तुसीं डेली लगा सकते हो, चाहो तां हफ्ते दे विच जिहड़ा चार बार तीन बार लगा सकते हो, पर मैं तो कहूँगी भी करवा चौथ दे विच बिल्कुल तीन चार दिन रह गए तो तुसीं हुणे लगाउणा जिहड़ा इहनू डेली स्टार्ट कर दिओ। तुसीं इह जिहड़ा रात दे टाइम बैड टाइम अपने इहनू लगाया करो एंड इहदे नाल रिजल्ट तुहानू इन्ने वधिया मिलणगे, तुसीं मैनू खुद आ जिहड़ा वीडियो दे नीचे कमेंट करके कहोगे भी दी इहदे रिजल्ट सानू बहुत ज़्यादा वधिया मिले। पर इहनू चंगी तरह तुसीं सारियां चीज़ां नू इस तरह फेंट लैणा जिस तरह मैं फेंट रही हाँ। चंगी तरह अपना फेस पैक इस तरह का होना चाहिए, ना इस तो गाढ़ा होना चाहिए ना इस तो पतला होना चाहिए जिवें कि मैं तुहानू बना के दिखाया। उस तो बाद मैं काली काली दे विच वीडियो बनाई क्योंकि मेरा घर का बहुत ज़्यादा काम पिया सी, पर मैंने लग्या वे ये वीडियो जरूरी है, मैं थोड़ा जिहा लेट होगी तुहाडे नाल, मैंने वीडियो शेयर करनी चाहिए आ। सो मैं फटाफट है जिहड़ा कोई भी अपना मूँह सिर नहीं बनाया सी, यानी कि बिल्कुल भी है मैं काम धंधे दे विच इन्ना बिजी सीगी, कोई कपड़े चेंज नहीं किए से, इस करके है जिहड़ा मैं इस तरह ही तुहानू बना के आ वीडियो तुहाडे नाल, मैं कहा मैं शेयर कर लाँ। सो इस तरह तुसीं बिल्कुल अपने फेस ते लगाउणा, फेस तुहाडा ठंडे पानी नाल पहलां तुसीं क्लीन जरूर करना। जदों भी कोई फेस पैक या रेमडी ट्राई करदे हो तुहाडा जिहड़ा फेस आ बिल्कुल साफ होना चाहिए। इहनू लगा के तुसीं 10 तो 15 मिनट रख सकते हो, ज़्यादा ड्राई नहीं करना इहनू, बिल्कुल जो हाफ ड्राई हो जाए यानी कि अद्धा गिला जिहा होवे पैक तो अद्धा सुक्या होवे तां तुसीं जिहड़ा ठंडे पानी नाल अपने मूँह नूं जिहड़ा धो लैणा है। उस तो बाद तुसीं किसी भी मॉइस्चराइज़र का यूज़ कर सकते हो जिहड़ा स्किन ते लगाउंदे हो, नहीं तां इहदे विच मलाई पाई है तुहानू किसी भी मॉइस्चराइज़र की लोड़ ही है नहीं गी। जदों भी तुसीं इस फेस पैक नूं ट्राई करोगे ना तो उस तो बाद तुसीं देखोगे तुहाडी स्किन इन्नी ज़्यादा सॉफ्ट बन जूगी जिवें कि बच्चों की नरम नरम स्किन होंदी है, तुहाडा फेस इन्ना ग्लो करन लग जू। सो स्पैशली इह तुहाडी फेस है जिहड़ा ग्लो करेगा, ब्राइट बनूगा, तुहाडा फेस है जिहड़ा वाइटनिंग आऊगी तुहाडे फेस ते। सो उहदे लई है जेकर तुहाडी स्किन ते कोई दाग धब्बे आ तां उह वी आपां बेसन इहदे विच स्पैशल जिहड़ी चीज़ है बेसन ही यूज़ कीता, ते बेसन नाल तुहानू पता ही है दाग धब्बे सारे जिहड़े रिमूव हो जांदे, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वह भी तुहाडी कुछ हद तक है जिहड़ी सॉल्व हो जूगी। सो इस फेस पैक नूं जरूर ट्राई करो जी, आने वाले 3-4 दिनों तक इहनूं लगातार ट्राई करो ते फिर तुसीं रिजल्ट देखोगे। तो मेरे नाल रिजल्ट जिहड़े आए जरूर शेयर करो, वीडियो किदां दी लगी कमेंट करके दस्सो एंड जेकर नैक्सट होर वीडियो इस तरह की चाहिए जरूर कमेंट करके दस्सो। नैक्सट वीडियो ना मिलेंगे, तद तक लई तुहानू सारिआं नूं सत श्री अकाल जी ते बाय बाय।